मदद करेंगे जी। भाई माइक नंबर एक से अगर कोई सवाल हो तो करें। मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे, मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और क्लाउड के दुकान में। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आपका जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं आप, यानी जो भी वेदों से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमारे जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं, लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं, जैसे आपने अभी व्याख्या किया था नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है, तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है जो भगवद गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल कहा आपने, इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवद गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है यानी अल्लाह के बारे में जानना है, तो अगर हमारा है तो भागवतम है, तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है, लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जॉब दिया था अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवद गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिलके सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता, लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ, और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवद गीता नहीं है, वेद है। भगवद गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे, आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से हमें इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन। ठीक है, तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी, उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जो बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफ़ी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं वैन लेके आते, बस इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवद गीता। मैंने बोला ठीक है, और कहेगा वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा ये भगवद गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद, उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा ये है स्मृति। बेशक, बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिबे इल्म हूं। तो मैंने पूछा बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद, स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या, इतिहास है। तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवद गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मैंने बेशक, तो जब भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवद गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवद गीता वेद का निचोड़ है,
निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स के, आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे हो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजें को जानते नहीं। हम तालिब इल्म है, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबले मजहब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पर तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते क्योंकि आपका दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों, जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या? 2+2 4 ही रहता है, चाहे वो सेकंड स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, 2+2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरु जी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद, लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेश्या शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यह देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है, भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है भगवत गीता, वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है, यानी वो परंपरा में अगर गया तो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ है एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर? यस, बराबर। स्वामी प्रभुपदा, प्रभुपदा इंसानी थे ना? इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से, तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, वही हम लोग ने, ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाजिल, यू बहू। इसलिए जितने भी दिगर मजाहब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है बाइबल, सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है, आप किसमें मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, UK में, हिंदुस्तान में, पुणे में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर, जेर, पेश, वो भी फर्क नहीं है, फत्ता, दम्मा, कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता, दम्मा, कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी किताबें पहले आए, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है, लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूँ स्वामी प्रभु पता मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है, और वो कहते हैं मैं भी पढ़ चुका हूँ आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूँ, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है, आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में। और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, बहुत से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे कौन कहता है, आपके स्वामी प्रभुपदा, मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है, मैं लेकिन
स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूँ, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूँ। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी, वो निचोड़े वेद का निचोड़े, लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप, गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेंगे ना, दूध को लेंगे गाय को मार देंगे दूध आपका खत्म हो जाएगा भाई, गाय को जिंदा रखो रोज दूध लो बराबर के नहीं, दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है, आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य अने युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार, अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से, उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर आखिरी अवतार कौन है, कल के अवतार, अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला, आप मानते कल के अवतार आने वाला है, आ चुका है, और उसमें लिखा था कल के अवतार की माँ के नाम क्या है, सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना, उसमें लिखा है कल के अवतार चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना, कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15 इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णुयास, विष्णुयास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला, उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है, हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है, उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे, हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे जिसका मैं जिक्र किया हूँ, 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैं अल्लाह भी पिलुद्दे मौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो, किसके बारे में जिक्र करें, उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गार हिरा में, फिर वो करेंगे हिजरत नॉर्थ की तरफ, फिर से वापस आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो एक घंटा सिर्फ तस्किरा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है, तो ये पूछना चाहता हूँ आप मानते क्या इस कल के अवतार में, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है, मानना सिर्फ जरूरी नहीं अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूँ, खुदा की बात पे अमल ना करता हूँ तो बेकार है। मैं कहता हूँ मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वालिद की बेइज्जती करता हूँ, वालिद की बात नहीं मानता हूँ, वालिद से बदतमीजी करता हूँ, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए, तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ, जो कुछ मानता तो हुई खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है बिल्कुल। मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन धर्म के हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते है, वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं अक्स नहीं है, बराबर ये मानते, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप कल के अवतार में, आप मेरे सवाल को घुमाओ मत, मैं जानता हूँ नहीं है, मैं ये जानता हूँ सनातन धर्म के बारे में जानता हूँ, पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते बिल्कुल सही, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि उस खुदा के अवतार पैगंबर आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे मोहम्मदन, वो तो मानता ही हूँ मोहम्मदन में, आपके लिए
सबके लिए ही है ना। बिल्कुल तो, सही। तो कोई धर्म कोई एक मजहब का थोड़ी रहता है, गुरु तो सबके रहता है, वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता है, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही, लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हू बहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आपने करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मैं कांग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है, सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ मानता हूँ लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात जो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जरूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मजहब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नहीं, थैंक यू। कुछ बोलेंगे आपको? मुझे ये कहना था, अभी आप बोल रहे थे अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो मैं मोमिन बनने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि मैं वो मोमिन का क्या रहता है वो तीन चार इसमें सुन चुका हूँ। मोमिन का क्या रहता है? मोमिन का जो बताया था ना, क्या जो रीजन, जो कैसा रहता है मोमिन, कैसा रहता है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं, जो भी याद बोल नहीं सकता है, जो भी याद है बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम, जो कमी है मैं पूरी कर लूंगा। नहीं नहीं यार, जान लीजिए, अगर दूसरे को भी क्वेश्चन पूछना है मौका मिलना चाहिए, मैं आपको पर्सनली मिलता हूँ बाद में। अच्छा, बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। दोनों की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो गैर मुस्लिम बहनों को तरजीह दी जाए, उनको पहले मौका दिया जाए। माई नेम इज स्नेहा मनोज रायजादा, आई एम स्टडिंग, माई क्वेश्चन इज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू अ मुस्लिम, आई एम फॉलोइंग इस्लाम फॉर माई योर नाउ, एंड माई आई हैव अ प्रॉब्लम, माई पेरेंट्स